शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उर्दू टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बाकिर अंसारी जी ट्रांसफर तथा पोस्टिंग के मुद्दे में उत्पन्न अनियमितताओं को लेकर हाई कोर्ट जा रहे हैं। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आगे इस पर क्या कुछ होने वाला है। हम इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, और कोर्ट में चैलेंज करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसके खिलाफ हैं। ये मैं आपको बता दूं कि मैं कोर्ट में जा रहा हूं नियमावली की हिमायत में, यानी कि नियमावली के समर्थन में और ट्रांसफर पॉलिसी की मुखालफत में। एकदम साफ दो लाइन का मेरा मतलब है। पहला ये कि इस नियमावली का मैं सपोर्ट कर रहा हूं, इसके सपोर्ट में, और जो आपका ट्रांसफर पॉलिसी है मैं उसकी मुखालफत में जा रहा हूँ। अब है कि नियमावली का जो है उसका सपोर्ट मैं क्यों कर रहा हूँ और ट्रांसफर की मुखालफत क्यों कर रहा हूँ, तो बड़ी अहम सवाल है मोहतरम। जरा सा इसके हम पस मंजर में जाएंगे कि हम नियमावली का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उस जमाने में जब के पाठक का अपना एक पर्सनल आइडेंटिटी हुआ करता था और के पाठक के नाम से महकमा में बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ रहता था, उस जमाने में सारे इसादा तंजीमों ने बड़ी मुस्तनद और बड़ी मतलब जज्बाती लोगों को कॉल किया कि भाई बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हमें चाहिए, और सारी तंजीमों ने, पहली बार ऐसा हुआ कि सारी तंजीम एक छत के नीचे आ गई और सारी तंजीम जो है बड़ी जबरदस्त एहतजाज किया। और के पाठक के उस जमाने में भी जब उनका एक रोब हुआ करता था महकमा में और हम टीचरों पर, और उनके लाख मना करने के बावजूद भी लाखों लोग यहाँ पर जमा हुए, लाखों लोग जब हम लोग जमा हुए तो उसमें जो हमारे दूर दराज के जो बहुत दूर दूर से लोग आए थे वो हमारी भाषा को सुनने नहीं आए थे, वो हमारी तकरीर को सुनने नहीं आए थे, बल्कि वो आए थे कुछ गोल अचीव करने के लिए। ये बड़ा ही मलाल का मौजू है मोहतरम कि उतनी जमीयत होने के बावजूद और उतना जमे कफीर होने के बावजूद हम कुछ हासिल नहीं कर सके। कुछ हासिल क्यों नहीं, क्योंकि नियमावली का मैं सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर बताने के लिए थोड़ा पस मंजर में जाना होगा। तो अचीव तो ये किए कि इसादा की तारीख में पहली बार इसादा तंजीमों की मुलाकात चीफ सेक्रेटरी से कराई गई, लेकिन चीफ सेक्रेटरी से मिलने के बावजूद भी हम लोग कुछ अचीव नहीं किए या कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं किए, बल्कि यूं ही इधर उधर लोग हो गए। तो देखा कि हम लोग ऐसे ही मतलब एक तरह से अंधेरे में रहेंगे, और महकमा जो है ये बिल्कुल मतलब अब चाह रही है कि हमारा कैडर चेंज हो करके और हमको सरकारी मुलाजिम का दर्जा दे। तो ये जो जिस आइन के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज करके हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है, वो पूरी की पूरी तरह मतलब वो सरकारी मुलाजिम का दर्जा का मतलब मकाम रखता है। लिहाजा मैं इस नियमावली मतलब जो है वो हिमायत में हूँ कि नियमावली आपका दुरुस्त है, कि पाठक साहब का जो भी मतलब निकाला हुआ था उनका जितने भी लेटर थे इस बाबत वो सब ठीक थी। अब जो है इसमें हमारा कैडर चेंज हो रहा है, इसमें हमको राज्यकर्मी के बनने का मौका मिल रहा है ना, तो इसलिए हम इस मतलब इसके हिमायत में है वोट कर रहे हैं। और तीन जिलों के ऑप्शन में उसमें एक जो है पैमाना तय किया गया था कि आपको जिला मिलने के लिए क्या करना है, उसमें मेरिट तय किया गया था कि आपको जिला मिलने के लिए मतलब इस जो प्रोसेस है उससे गुजरना होगा, आप तैयारी करें, ज्यादा नंबर हासिल करें, ज्यादा अगर नंबर होगा तो हम आपको, उनका बाज़ाब्ता लेटर है कि हम आपको शहरी हलकों में देंगे, ठीक है ना, और जो जिला होगा उस जिला मतलब आपको उन जिलों में लिया जाएगा। लेकिन और उसमें तीन ऑप्शन था, कहा गया था कि तीन जिला आप चुने और जो आपका जिला अलॉट होगा उस जिला में आप रहेंगे, ठीक है ना। बाद बाकी के पाठक साहब जब जून चले जाते हैं तो अब नए जो ऑफिसर आए हैं ये रोज इसमें नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इनका इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग शदीद रंजोगम में मुब्तला हो जाते हैं। उसकी वजूहत ये है
कि देखिए के पाठक साहब के वक्त में ये क्लियर था कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपके मेरिट के अकॉर्डिंग होगी, जिस तरह से आप मेरिट अचीव करेंगे मैं इस एग्जाम में सक्षमता एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग मतलब आपका पोस्टिंग का क्राइटेरिया जो है वो रखा गया था। ये जो सिद्धार्थ साहब हैं ये रोज नया नया एक्सपेरिमेंट मतलब इसमें कर रहे हैं, रोज दिन इसमें तब्दीली किया जा रहा है। जैसे का एक तरफ कहा गया कि भाई हम अब आपको ई शिक्षा कोष से जब हम लोग के पाठक साहब के टाइम में मतलब दिए थे तो उस वक्त ई शिक्षा कोष का कोई ये नहीं था, आपको जिला मिलेगा, ये कह रहे हैं कि आपको ई शिक्षा कोष पर आवेदन करना होगा। कौन सा आवेदन करना है, कौन सा आवेदन भाई? हमारा सारा डॉक्यूमेंट और हमारी सारी बायोग्राफी जो है वो तो आपने ई शिक्षा कोष पर ले लिया, तो मैं उसकी पेच और खामियों को बिल्कुल यकजा किए हुआ हूँ। और अब आइए देखिए, एक महकमा के बहुत काबिल अफसर हैं, उन्होंने कहा था मुझको कि पिछले 2 साल से हमारा महकमा जो है एक भी मुकदमा हार नहीं रहा है। हमने कहा था कि जिस दिन अब्दुल बाकी से सामना आपका होगा आपका ये ख्याल मैं बदल दूंगा, आपका ये ख्याल बदल जाएगा। अब आइए, कानून की नजर में कानूनी चाराजुई और कानून की नजर में कानूनी खेल जो है वो हम लोग खेलते हैं कि आपका कितना मतलब जो आप इस तरह का मनमाफिक तरीके से जो आप नई नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इसमें कितना दम है, और हम आईन की मतलब आईन के सहारे आपके इन हदूद को कहाँ कहाँ तोड़ सकता हूँ। जो मैं जो अदालत में हूँ या मैंने जो अदालत का रुख किया है, मैं जो अदालत से में अर्जी दायर किया है वो अर्जी एकदम साफ है, एकदम साफ 2 लाइन में इस अर्जी को समझा जा सकता है कि मैं इस नियमावली की हिमायत में और आपकी ट्रांसफर पॉलिसी की मुखालफत में मैं कोर्ट का रुख इख्तियार किया।